हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज हम 5 kg चिकन बनाने जा रहे हैं। पतीले में गरम तेल होने के लिए डाल दिया है। ये देखिए कटा हुआ चिकन, जिसको 2 बार मैंने अच्छे से पानी से भुजिया से धुलवा दिया है। अच्छी तरह से 2 बार पानी में धोया है भैया ने, ताकि इसमें जो तो गंदापन है वो निकल जाए, ख़राब कुछ भी होगा मटेरियल वो निकल जाएगा। और प्याज का पेस्ट था, ये कटे हुए टमाटर हैं, मिर्च अदरक और लहसुन का पेस्ट है। आपको दिख रहा है मटेरियल काफ़ी अच्छा बना लिया है। सिंपल और साबुर बनाएंगे, कभी यहाँ ने बताया ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे उसके अंदर। ये जो मसाले हैं हल्के से, यही इसके अंदर डालेंगे। पतीले में जब तक तेल अच्छी तरह गर्म नहीं हो जाता, उसमें धुआं सा नहीं उठने लग जाएगा, भैया ने बता रहे हैं, और तब तक उसमें नहीं डालेंगे। और धुआं उठने लग गया था, उन्होंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। देखिए किस तरह से, और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती, तब तक इसके अंदर हम दूसरी मटेरियल नहीं डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि प्याज इकट्ठी ना हो और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसके अंदर तेल में से अच्छे फ्राई होना है, इसको रेडिश कलर नहीं आएगा तब तक दूसरा मटेरियल नहीं डालना है। 5 kg चिकन बनेगा, तो प्याज भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ली है हमने, कम से कम 10-12 वो बड़े मीडियम साइज़ के प्याज लिए गए हैं, और फ्राई होने के लिए इसमें छोड़ दिया है। फ्राई हो रहा है प्याज। भैया चिकन बनाते हैं होटल पर, ढाबे में बनाते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लेट के हिसाब से बेचते हैं, बता रहे हैं जिस तरह से। और इनका चिकन काफ़ी बिकता है, स्पेशल है, नारनौंद में बनाते हैं ये। हल्के हल्के प्याज में बुलबुले उठने लगेंगे, और ये देखिए धीरे धीरे बुलबुले से उठ रहे हैं। और जब तक ये बुलबुले सही से नहीं उठेंगे, प्याज रेडिश नहीं हो जाएगा, तब तक हमें फ्राई होने देना है। हल्का सा प्याज ये लग गया था, भैया ने इसको हटाया। ये देखिए किस तरह से ये हल्का सा लग गया है, इसको हटा दिया है, और अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए हल्का हल्का रेडिश कलर इसका आने लगा है। और ये भी यानी प्याज, मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद डायरेक्ट भैया जिस तरह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, इसमें उन्होंने हल्दी का पेस्ट भी डाला है। हल्दी भी डाली है पेस्ट, क्या हल्दी डाली है, और ये मिर्च पिसी हुई मिर्च जो है कलर के लिए, कलर वाली मिर्च पैसे कश्मीरी मिर्च है, ये मिर्च का कलर नहीं आया था इसमें, और मिर्च मिक्स कर दी है। ये छोटा सा टुकड़ा गिरा, इसको निकाल देते हैं, प्लास्टिक का सा था ये कुछ, और मिक्स कर देते हैं इसको अच्छी तरह से। ये चिकन मिक्स कर देते हैं, चिकन डाल दिया है अब इसके अंदर, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, तब तक इसको हम चम्मच को पतीले में घुमाते रहेंगे। और अभी नमक भी नहीं डाला है इसमें, टमाटर भी डालेंगे, पेस्ट बनाया हुआ है वह इसमें डालेंगे, और पानी भी बाद में डालेंगे इसके अंदर। इसको पहले भाप से अच्छी तरह से पकने देंगे। 5 kg चिकन है, जब तक ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। ये देखिए मिक्स हो गया था, और इसमें थोड़ा सा मिर्च और डाला है, हल्का सा कम लग रहा था मिर्च, वो हमने डाल दिया इसके अंदर।
और ये देखिए, स्वाद अनुसार आप इसमें नमक भी डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। ये देखिए भैया ने एक अच्छी बात बताई कि नमक को हल्का सा मुट्ठी में लेकर उसको सूंघ लें तो आपको इसमें ज़्यादा खारापन नहीं लगेगा। ये कुछ टेक्निक बताई, लेकिन फिर भी हम मैंने कह रहा बताया भैया को कि आप थोड़ा ही नमक डालें, ज़्यादा ना डालें। जिसको डालना होगा बाद में भी डाल सकता है। और इसको नमक को मिक्स कर दिया है भैया ने अच्छी तरह से। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे भैया, लगे हुए हैं।